गया है। अगस्त 2023 में लॉन्च की गई भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर का क्या नाम है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहले नंबर का देखिए, आपको यहाँ पर जवाब देना है राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रबल। प्रबल यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 अगस्त 2023 को लॉन्च की गई भारत की पहली लंबी दूरी की जो साइड स्विंग रिवॉल्वर है उसका नाम क्या है, प्रबल है। इस रिवॉल्वर की जो मारक क्षमता है दोस्तों याद रखिएगा 50 मीटर तक है। इस रिवॉल्वर की जो मारक क्षमता है कितनी है, 50 मीटर तक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर ए नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रबल। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना जून 2023 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तर प्रदेश कुल प्राप्तांकों के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कुल प्राप्तांकों के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर है उत्तर प्रदेश का, देखिए आपको नाम बताना है कौन से स्थान पर है। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन दीजिए जवाब, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर का जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है पांचवें स्थान पर है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हमारे बीच आ चुका है, यहाँ पर पांचवें स्थान पर है आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं जून 2023 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश 52 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है। बड़े राज्यों की श्रेणी में इस सूचकांक में केरल जो है, केरल आपका पहले नंबर पे, पंजाब आपका दूसरे नंबर पे, यह भी आपको याद रखना है, केरल का स्थान आपका पहला नंबर आपका है। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीन नंबर आपको जवाब देना है, अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किए जाने के बाद वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी हो गई है। हाँ कितनी हो गई है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, और यहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ पर 6, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्तमान में इस समय राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 हो गई है। कौन कौन से हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी सीपीआई और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी और आम आदमी पार्टी, यानी छठवीं पार्टी आपकी बन चुकी है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए चार नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा, यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, कह रहे हैं केरल, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, सितंबर 2023 में संपन्न पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए पांच नंबर का जवाब दीजिए, यहाँ पर देखिए सुपर फास्ट आपके यहाँ पर रिवीजन करवाया जा रहा है करंट अफेयर्स का, और जितना आपने अभी तक पढ़ा है एक ही बार में अब आपका यहाँ पर रिवीजन कराया जाएगा, जिससे आपने जो पढ़ाई अभी तक की है प्रश्नों को सभी लोग सही जवाब दीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए पांच नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं भारत, बिल्कुल सही है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर के साथ, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सितंबर 2023 को यहाँ पर देख सकते हैं सलाहकार ओमान में, है ना, ओमान में संपन्न जो पूर्व हॉकी 5S एशिया कप आपका हुआ है उसमें क्या हुआ है कि 2023 का भारत ने पाकिस्तान को किसको पराजित किया है, पाकिस्तान को पराजित किया है, ठीक है ना, याद रखिए ओमान आपका तीसरे स्थान पे था। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए छह नंबर का जवाब देना है, अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किस राज्य में लॉन्च किया है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर देखिए छह नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर बताया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क यानी अरोमा पार्क जिसे आप कहते हैं ये कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो देखिए परफ्यूम पार्क आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो इत्र नगरी है ये कन्नौज कहते हैं, तो कन्नौज यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया जाएगा। देखिए ये आसान प्रश्न है, गांधी जो शांति पुरस्कार दिया गया है ये किसे प्रदान किया गया है, तो ये किया गया गीता प्रेस गोरखपुर को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, जम्मू एवं कश्मीर के किस जिले में लिथियम की खोज की गई है। यहाँ पर देखिए कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर देखिए नाइन नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर बताया जा रहा है जम्मू और कश्मीर के किस जिले में लिथियम खोज की गई है, तो आंसर आपका यहाँ पर रियासी हो जाएगा, रियासी जिला कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है आपका। अगला प्रश्न बताइए, जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है किस शहर में किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर का आपको जवाब देना है, जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है किस शहर में किया गया, और यहाँ पर 10 नंबर का बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, सितंबर 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। सितंबर 2023 में 18वें जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन कहाँ पर किया गया, ये किया गया आपका भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ,
अगला प्रश्न बताइए, भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम रखा गया है? चलिए भारत का देखिए, पहला आपका एआई संचालित एंटी ड्रोन है, उस सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है इंद्रजाल। क्या रखा गया है? इंद्रजाल। यहाँ पे क्या होगा विकल्प आपका, यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बी नंबर कह रहे हैं शायद, नहीं नहीं बी नंबर कन्फर्म है आपका, बी नंबर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताइए, सितंबर 2023 में किसे नैसकॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे नैसकॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यहाँ पर 13 नंबर में आपको जवाब देना है। तो ये आपका जो नियुक्त किया गया है उनका नाम है राजेश नाम्बियार, याद रखेंगे राजेश नाम्बियार है। 13 नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया स्टेट 20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? स्टेट 20 क्रिकेट विश्व कप जो है 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो शहर का नाम आपको बताना है, वो शहर आपका तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर के साथ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया जा रहा है? 15 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये बनाया जा रहा है दोस्तों आपका वाराणसी में, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा डी नंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 2023 में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देश का पहला राज्य बन गया है, 16 नंबर का आपको जवाब देना है। तो राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, जहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी किस शहर में खोली जाएगी? 17 नंबर में आपको कमेंट करिए सभी लोग, रीजनल फिल्म सिटी जो है किस शहर में खोली जाएगी उत्तर प्रदेश के, बताइए 4 ऑप्शन में कौन शहर है? और यहाँ पर कह रहे हैं गोरखपुर, बिल्कुल सही जवाब है गोरखपुर, यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया युद्धपोत महेंद्र गिरी किस शिपयार्ड के द्वारा निर्मित किया गया है? बताइए जो आपका ये सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया युद्धपोत है महेंद्र गिरी, आपको बताना है किस शिपयार्ड के द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये किया गया है आपका मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, अगस्त 2023 में किस राज्य में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? गृह लक्ष्मी जो योजना है आपकी शुरू की गई है महिलाओं के लिए, 19 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और ये शुरू किया गया आपका कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है कर्नाटक, आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका बी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, चंद्रयान 3 मिशन का जो विक्रम लैंडर है जिस पॉइंट सतह पर लैंड हुआ है उसका क्या नाम रखा गया है? उसका नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट, आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, यहाँ पर देखिए सुपर फास्ट आपका रिविजन कराया जा रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 नंबर आपको बताना है, उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो यहाँ पर बता रहे हैं कुशीनगर, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में आपको बताना है कांस्य पदक जो है किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है और उनका नाम है आपका HS प्रणय, आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। 22 नंबर का जवाब यहां पर डी नंबर, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 23 नंबर आपको बताना है, अगस्त 2023 में संपन्न फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? अगस्त 2023 में संपन्न फीफा महिला विश्व कप 2023 का जो खिताब जीता है उस देश का नाम है आपका स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था, स्पेन की राजधानी क्या है? तो मैड्रिड है, याद रखिएगा मैड्रिड है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कमल के फूल की नई प्रजाति नमो 108 को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? नमो 108 को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पर जवाब होगा आपका, आंसर जाएगा CSIR NBRI लखनऊ, विकल्प नंबर आपका जाएगा ए नंबर के साथ, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया है? सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आंसर होगा गंजाम। गंजाम कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के सर्वश्रेष्ठ जिला है, याद रखिएगा ये जून 2023 में दिया गया, 2022 का पुरस्कार था ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं जून 2023 में प्रदान किया गया चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में ओडिशा के गंजाम जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि मध्य प्रदेश को
सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अगर पूछते हैं मध्य प्रदेश तो आप बताइएगा सर्वश्रेष्ठ राज्य है, और सर्वश्रेष्ठ जिला की बात करेंगे तो उड़ीसा का आपका गंजाम जिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्रश्न ने बहुत बार कराया है, अब तो सूचकांक वगैरह अच्छे से याद ही हो गए होंगे, और यहाँ पर बता रहे हैं 161वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर आप दे सकते हैं 36.62 अंकों के साथ भारत जो है 161वां स्थान प्राप्त किया है। इस सूचकांक में नॉर्वे जो है पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे कौन है? आयरलैंड है। याद रखिएगा, नॉर्वे आपका पहले नंबर पे, आयरलैंड आपका दूसरे नंबर पे है। अगला प्रश्न बताइए, जून 2023 में किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? यहाँ पर देखिए 27 नंबर में आपको जवाब देना है। इससे प्रश्न आपको और बनता है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, है ना? ये प्रश्न आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि विश्व मौसम जो विज्ञान दिवस है आपका वो कब मनाया जाता है, ये आपको प्रश्न जो है कमेंट सेक्शन में जवाब देना है सभी लोगों को, है ना? प्रश्नों को एक बार फिर सुन लीजिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका कब मनाया जाता है? चलिए 27 नंबर का जवाब आ चुका है, यहाँ पर सेलेस्टे साउलो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, है ना? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगला प्रश्न बताइए, सितंबर 2023 में सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए मिशन का नाम क्या है? ये भी आसान प्रश्न है आपका, आदित्य एल फर्स्ट आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, अगस्त 2023 में LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर के किस जिले में किया गया है? जम्मू और कश्मीर किस जिले में किया गया है आपको कमेंट करना है। यहाँ पर 29 नंबर का जवाब होगा कुपवाड़ा, कुपवाड़ा यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत लोग राजौरी मार रहे हैं, है ना? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को याद रखिएगा, यहाँ लिख दे रहा है 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर 29 नंबर हो गया आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष का आपका कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा जो दिवस आपका मनाया जाता है दोस्तों 7 अगस्त को मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? है ना, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अगर हम बात करते हैं भारत की रैंक क्या है, तो भारत यहाँ पर चौथे स्थान पर है, याद रखिएगा चौथे स्थान पर है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपको ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपको लगा देना है, है ना? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका चौथे नंबर पर भारत का स्थान है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए 32 नंबर में बताना है, फरवरी 2023 में भारत सरकार के द्वारा तुर्की एवं सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद मदद के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो उस अभियान का जो नाम रखा गया था उसका नाम था ऑपरेशन दोस्त, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आपका, करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? दिबांग बहुउद्देशीय जो परियोजना है ये आपकी स्थापित की जा रही है अरुणाचल प्रदेश, आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? चलिए 34 नंबर का देखिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कह रहे हैं जर्मनी ने जीता है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो पुरस्कार दिया गया है उनका नाम है प्रोफेसर आपके हरिदत्त शर्मा, है ना? यहाँ पर 35 नंबर का आंसर क्या होगा, 35 नंबर का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ, चेक कर लीजिए सभी का आ रहा है। 2021 के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार, है ना, ये आपका होगा प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है, हाँ प्रयागराज के हैं, बिल्कुल बात सही है। अगला प्रश्न बताइए, जनवरी 2023 में भारत के किस शहर में विश्व का पहला पामलिप यानी ताड़ का पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? ये कहाँ पे खोला गया है भारत के किस शहर में? तो उसका नाम है आपका, शहर का नाम तिरुवनंतपुरम है, जो कि केरल की राजधानी आपकी है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताइए 37 नंबर, पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किसने लिखी है? यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किसने लिखी है? 37 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा नीरजा चौधरी, 37 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, नीरजा चौधरी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, जुलाई 2023 में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र आई
आईईसीसी का उद्घाटन किया गया। आईईसीसी की स्थापना कहाँ पर की गई है? आईईसीसी है ना, आईईसीसी का स्थापना कहाँ पर की गई है? 38 नंबर में। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में की गई है। उत्तर प्रदेश की कौन सी परियोजना प्रदेश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी? है ना, यहाँ पर बताइए उत्तर प्रदेश की कौन सी परियोजना प्रदेश की यानी पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी? तो 39 नंबर का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा ओबरा डी तापी परियोजना। ओबरा सोनभद्र में पड़ता है ना, ओबरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है? बताइए 40 का आंसर क्या होगा? ये लगाई गई है आपका उज्जैन। उज्जैन कहाँ पे पड़ता है? एमपी में पड़ता है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए मेजर ध्यानचंद क्रीडा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के जिले में बनाया जा रहा है, आपको कमेंट करना है यहाँ पे। राइट आंसर क्या होगा? मेजर ध्यानचंद क्रीडा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? और कह रहे हैं मेरठ में। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र किस जिले में बनाया गया है? यहाँ पर देखिए कमेंट करिए 42 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। ये जो आपका बनाया गया है आंसर यहाँ पर बताया जा रहा है महाराजगंज। बिल्कुल सही है। पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र किस जिले में बनाया गया है? ये बनाया गया आपका महाराजगंज में आपका बनाया गया है। अगला प्रश्न बताइए मई 2023 में किस देश को पुनः अरब लीग में शामिल किया गया है? मई 2023 में किस देश को पुनः अरब लीग में शामिल किया गया है? यहाँ पर देखिए 43 नंबर का जवाब देना है। तो ये शामिल किया गया है आपका सीरिया को शामिल किया गया है। देश का नाम क्या है? सीरिया है। सितंबर 2023 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता US Open 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? 44 नंबर का आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए US Open पूछा गया है। और US Open की जब हम बात करते हैं है ना, देखिए प्रश्न को गलत मत करिए सभी लोग। सितंबर 2023 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता US Open 2023 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है ना, ध्यान दीजिएगा। हमने पूछा क्या है आपसे? पुरुष ये यूएस ओपन पूछा है। नोवाक जोकोविच ही है, नोवाक जोकोविच है, कार्लोस अल्काराज नहीं है। 44 नंबर का बी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा है ना, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा है ना यहाँ पर। चलिए अगर अगर हम आपसे पूछते कि विम्बलडन ओपन 2023 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है ना, प्रश्न को समझिए। अगर विम्बलडन पूछते तब आप बताइएगा कार्लोस अल्काराज। कई बार क्या होता है कि आप कभी कार्लोस अल्काराज का नाम भी पढ़ें और कभी नोवाक जोकोविच के पढ़ें, कन्फ्यूजन होता है ये वाला। ये यूएस ओपन है, वो विम्बलडन ओपन है। जब विम्बलडन ओपन पूछेगा तब कार्लोस अल्काराज लगाइएगा ठीक है, और जब यूएस पूछेगा तो नोवाक जोकोविच। दोनों को अच्छे से डिफरेंस समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की गई है ना, मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की गई है। 45 नंबर का जवाब देना है और यहाँ पर आपका आंसर होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न बताइए भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का जो रिकॉर्ड है वो किसने बनाया है? और यहाँ पर 46 नंबर का बताया जा रहा है नवीन पटनायक। बिल्कुल सही जवाब है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। अब आपको देखिए कमेंट करके बताना है कि नवीन पटनायक किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल सही है, ये उड़ीसा के आपके 14वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में ना उड़ीसा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए सितंबर 2023 में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत के पहले ट्रांसजेंडर आउट पेशेंट विभाग ओपीडी की शुरुआत किस अस्पताल में की गई है? किस अस्पताल में की गई है? 47 का आपको जवाब देना है और आंसर आ चुका है राम मनोहर लोहिया अस्पताल। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। फरवरी 2023 में किसने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के पदभार ग्रहण किया? सीईओ की बात हो रही है और जब हम सीईओ की बात करते हैं तो परमेश्वर अय्यर नहीं है, अब आपके कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सीईओ आपके कौन है भैया? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। 32वां ब्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? 49 नंबर बताइए। ये जो दिया गया है ना उनका नाम है आपका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म किस स्टेशन पर बनाया गया है? जैसा कि आप लोग जानते हैं ये आपका कर्नाटक में सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन है ना, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है आपका, विकल्प नंबर जाएगा आपका बी नंबर के साथ। चलिए अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? चलिए कमेंट करिए सभी लोग यहाँ पर। 51 नंबर का देखिए कमेंट करना है,
भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? ये आपकी ये सांची है, याद रखिएगा सांची है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की पहली सोलर सिटी सांची का उद्घाटन किया। सांची जो है सोलर सिटी में सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, जो कि 2 लाख से अधिक वयस्क प्रयोगों की क्षमता के बराबर है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो आपका है भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है, सांची है। अगला प्रश्न बताइए, सितंबर 2023 में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस भुगतान सेवा प्रदाता के द्वारा लॉन्च किया गया है? और 52 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा, है ना? तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है वर्ल्ड राष्ट्रीय है इंडियन स्पेस डे, है ना, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो आपका इंडियन स्पेस डे कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा दोस्तों 23 अगस्त को, डेट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है, उनका नाम क्या है? और उनका नाम आपका है बताइए 54 नंबर कह रहे हैं जया वर्मा सिन्हा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, अगस्त 2023 में 65वां रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 के द्वारा प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, है ना? यहाँ पर बताना किस भारतीय को अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया जाएगा। अच्छा बताइए, अगर हम आपसे कहते हैं कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, मतलब एशिया का जो नोबेल पुरस्कार होता है कौन सा पुरस्कार होता है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, याद रखिएगा। और यही आपको बताना है आंसर क्या होगा कि ये अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया जाए किस भारतीय को, और यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, डॉक्टर रवि कन्नन, बिल्कुल सही है, आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2023 खिताब किसने जीता है? एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि डूरंड कप जो है किस खेल संबंधित है, तो आंसर आपको लगाना पड़ेगा फुटबॉल, फुटबॉल संबंधित ये प्रश्न कई बार आपका पूछा गया है, है ना? एक प्रश्न आपका और पूछा गया था उबेर कप किस खेल से संबंधित है, है ना? तो उबेर कप जब पूछा जाएगा उबर कप या उबेर कप, तो बैडमिंटन लगाइएगा, उबेर कप जब आप पूछेगा आपसे तो बैडमिंटन लगाइएगा, ठीक है ना? ये प्रश्न पूछे गए हैं आपको बता रहे जो, अब डूरंड कप आपका फुटबॉल से, दोनों याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 56 नंबर का आपको जवाब देना है, 56 कह रहे हैं मोहन बागान SG, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 57 नंबर। ये जो आपका स्थापित किया गया है, ये आपका कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थापित किया गया है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है? किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है? 58 नंबर का जवाब यहाँ पर हो जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा? प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा? तो यहाँ पर अगर आपका जवाब आ रहा है 18, तो बिल्कुल सही जवाब है, आंसर जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय जो आपका बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है आपका उत्तर प्रदेश में, आपका पड़ता है शहर आपका है आजमगढ़, आजमगढ़ में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा, आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका बिल्कुल। देखिए इसका शिलान्यास जो आपका किया था केंद्रीय गृह मंत्री ने किया था, अमित शाह जी ने किया था, जो कि आपके केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं वर्तमान में, याद रखिएगा, आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया है? ये कहां पर आयोजित किया गया है? ये आपका किया गया है वाराणसी, बिल्कुल सही है, यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया? वाराणसी में किया गया है। अगला प्रश्न बताइए, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहां पर की जाएगी? देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहां पर की जाएगी? 62 नंबर आपको बताना है, तो 62 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा जमशेदपुर में, जमशेदपुर यहां पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, चलिए 63 नंबर बताइए, अगस्त 2023 में किस राज्य में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क का लॉन्च किया गया है? देश का देखिए भारत का जो पहला आपका कृषि डेटा एक्सचेंज है आपका, और आपका कौन सा है, और आपका कृषि डेटा प्रबंधन जो फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया आपका तेलंगाना में, आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, 15 अगस्त 2023 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? बताइए उन्हें पद्म भूषण किस
अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो पद्म भूषण की जब हम बात करते हैं तो आप सब लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके जो पुरस्कार होते हैं, एक पहले नंबर पे आपका होता है भारत रत्न होता है, दूसरे ये पहले इसके पहला पुरस्कार है भारत का सबसे बड़ा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपको होता है पद्म विभूषण होता है। क्या होता है? पद्म विभूषण होता है, पद्म विभूषण ये दूसरे नंबर पे होता है ना, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। फिर तीसरे नंबर पे आता है भूषण आता है, भूषण आता है ये तीसरे नंबर पे। फिर पद्म श्री आता है, फिर कौन सा आता है? फिर आपका पद्म श्री आता है, ये चौथे नंबर पे। क्रम याद रखिएगा, ठीक है ना? तो कई बार इसे क्रम पूछ लेता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 65 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। जुलाई 2023 में कौन सा राज्य आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है? लंपी त्वचा रोग राज्य पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है 65 नंबर। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, हाँ विकल्प नंबर बताइए, यहाँ पर नागालैंड। बिल्कुल सही है, नागालैंड यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? विश्व का जो सबसे बड़ा जो संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में आपका बनाया जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी को मिला है। अगला प्रश्न बताइए, जुलाई 2023 में शुरू की गई मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के कितने गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है? बताइए भारत के कितने गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है? यहाँ पर 68 नंबर का जवाब होगा 6.5 लाख। कितने गाँव है? 6.5 लाख। अगला प्रश्न बताइए, अगस्त 2023 में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी CPA जो आपका है भारत क्षेत्र सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 नंबर का जवाब देना है। अगस्त 2023 में जो नौवां आपका राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन आपका हुआ है ना, ये कहाँ पर हुआ है? और ये आपका हुआ है उदयपुर में हुआ है, उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, जून 2023 में किस राज्य के पुलिस विभाग के द्वारा राज्य में अपराधियों और माफियाओं से निपटने हेतु ऑपरेशन कन्विक्शन नामक नई पहल शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, ऑपरेशन कन्विक्शन याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन जाएगा डी नंबर के साथ। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए 71 नंबर का देखिए कमेंट करना है सभी लोगों को, यहाँ पर जवाब दीजिए राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर जवाब क्या होगा, यहाँ पर बता रहे हैं, हाँ 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही बात है 126वां स्थान प्राप्त हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जून 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को 126वां स्थान मिला है। इसका स्कोर क्या था? 2.314 था, उनके उसी स्कोर के साथ भारत का स्थान 126वां डिसाइड किया गया है। और इस सूचकांक में अगर याद रखिएगा पहले नंबर पर आपका आइसलैंड है और दूसरे नंबर पर आपका डेनमार्क है, तो ये भी याद रखिएगा कि पहले नंबर पे कौन सा है और दूसरे नंबर पे कौन सा है, भारत का भी स्थान याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से राष्ट्रीय सिकल सेल एनेमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है? कहाँ से किया है? ये किया है आपका शहडोल, है ना, शहडोल यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, शहडोल यहाँ पर देख लीजिए सभी का रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है? वस्तुओं के निर्यात में बताइए भारत का कौन सा राज्य शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है? 73 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु बन गया है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? चलिए भारत का पहला वैदिक थीम पार्क बताइए कहाँ पर स्थापित किया गया है? 74 नंबर बता रहे हैं नोएडा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय, कहाँ चला गया प्रश्न, प्रत्येक आवासीय घरों को प्रतिमाह कितने यूनिट बिजली मुफ्त में कराई जा रही है? कितने यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना है, 200 है, 200 यूनिट है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, जून 2023 में विश्व बैंक के द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई है? उस देश का देखिए आपको नाम बताना है और उस देश का नाम है आपका बांग्लादेश, बिल्कुल सही जवाब है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल आपका कौन सा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए, पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ पर आयोजित होगा? पहला यूपी इंटरनेशनल जो है आपका कबड्डी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है, बिल्कुल सही बात है।
चलिए अगला प्रश्न बताइए, पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ पर आयोजित होगा? 77 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, और 77 का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ पर बनाया गया है? विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका सूरत में बनाया गया, जो कि गुजरात का शहर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जुलाई 2023 में संपन्न 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? जुलाई 2023 में संपन्न 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 खिताब किसने जीता है? 79 नंबर का जवाब यहां पर आपका हो जाएगा पद्मनी राउत, बिल्कुल सही है, आंसर जाएगा सी के साथ। अगस्त 2023 में भारत को किस देश से मिसाइल स्पाइक NLOS प्राप्त हुई है? किस देश से प्राप्त हुई है मिसाइल स्पाइक NLOS, ये जो प्राप्त हुई है 80 नंबर, आंसर जाएगा इजराइल। इजराइल यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, अगस्त 2023 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर होगा? है ना, उत्तर प्रदेश में जो आपका ये शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया है, इसका मुख्यालय आपका कहाँ होगा? प्रयागराज में होगा। अगला प्रश्न बताइए, मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? यहां पर देखिए आपको बताना राइट आंसर आपका क्या होगा, और यहां पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, 82 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है, 82 का आंसर कह रहे हैं वाराणसी, आंसर आपका जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, नई संसद भवन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? चलिए यहां पर देखिए आपको कमेंट करना है, यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा, नई संसद भवन में यहाँ पर कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है, यहाँ पर कमेंट करिए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, चलिए बिल्कुल देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर बताया जा रहा है, कितने 1272 है क्या? हाँ 1272 है, बिल्कुल सही है, 1272 यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, 1272 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, देख सकते हैं यहाँ पर 1272 सदस्यों में लोकसभा के कितने 888 हैं, राज्यसभा के 384 हैं, सब मिला देंगे तो 1272 आपका आ जाएगा, ठीक है। और नए संसद भवन के वास्तुकार याद रखिए बिमल पटेल हैं, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया है, ये भी आपके याद रखना, कम से कम 2-3 पॉइंट हैं आपके, इनको अच्छे से आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और कब किया गया था? 28 मई 2023 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? आसान प्रश्न है, ये आपका बना है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? याद रखिएगा हेलसिंकी है। हजारों झीलों का देश किसको कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। अगला प्रश्न बताइए, मई 2023 में भारत ने किस देश में आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करोना चलाया था? बताइए ऑपरेशन करोना चलाया गया है, ये चलाया गया म्यांमार, आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका बी नंबर सही होगा। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहां पे बनाया जा रहा है? 86 नंबर, तो ये बनाया जा रहा है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। जून 2023 में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? नंद बाबा, है ना, वैसे भी बाबा के नाम से मशहूर है योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री हैं, तो आप यहीं से आइडिया लगा लीजिए, उत्तर प्रदेश ही है। 87 नंबर का यहां पर आपका बी नंबर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, जून 2023 में सूरी नाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार किसे प्रदान किया गया है? 88 नंबर का देखिए कमेंट करना है, और 88 नंबर का जवाब हमारे बिछा चुका है, भारत की यह राष्ट्रपति हैं। अब प्रश्न अगर पूछ लेता कि बताइए भारत के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, वो कौन सी नंबर की हैं, तो 15वीं नंबर की आपकी राष्ट्रपति हैं, 15वीं नंबर की। इनका जन्म स्थान की जब हम बात करते हैं, जन्म स्थान आपका कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा इनका क्या जन्म स्थान है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, जून 2023 में संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित करके जीता है? भारत ने बताइए किस देश को पराजित करके जीता है, ये जीता है आपका आंसर होगा पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। जून 2023 में केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाकर किस देश के लिए रवाना किया है? है ना, किस देश के लिए रवाना किया आपको बताना है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, और देश का नाम बताया जा रहा है। 90 नंबर का जवाब आ चुका है, यहाँ पर श्रीलंका बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, 90 नंबर का आंसर जाएगा श्रीलंका के साथ। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी? उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा जो पार्क है इसकी स्थापना जो की जाएगी वो की जाएगी ललितपुर में की जाएगी, ललितपुर आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? है ना, उत्तर प्रदेश में आपको बताना है पहला जो महिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी,
ये की जाएगी आपके गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में आपके किए जाएंगे 5, 5 कितने होते हैं? 55। आंसर जाएगा आपका ए नंबर के साथ, है ना, 55 ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जुलाई 2023 में किसे उत्तर प्रदेश में, जुलाई 2023 में किसे उत्तर प्रदेश में गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? 94 नंबर का देखिए, आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो वर्ल्ड कप आपका है 2023 में, जो आपका वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चलिए, 94 का आंसर हमारे बीच आ चुका है, राहुल चौधरी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, राहुल चौधरी बिल्कुल सही आंसर है। काफ़ी लोग यहाँ पर सुरेश रैना मार रहे हैं, नहीं राहुल चौधरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, शाहरुख खान है, बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पे बनाया जा रहा है आपको देखिए यहाँ पर कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। 95 नंबर का बताया जा रहा है यहाँ पर, पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री ने कहा नमो पथ देव का सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया, है ना, कहा नमो पथ देव का सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया। 97 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, दमन, कहाँ पे किया? दमन में किया। इस समय भारत में अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं तो 8 हैं, राज्यों की जब बात करते हैं राज्य कितने हैं वर्तमान में? 28 राज्य हैं, ठीक है ना, दादर नगर हवेली दमन दीव सब एक ही हो गया है, 8 हैं इस समय केंद्र शासित प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? 98 का देखिए आपको जवाब देना है, और इसका जो निर्माण किया जा रहा है आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? मुंबई में किया जा रहा है, मुंबई यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। मई 2023 में किस मुख्यमंत्री को, है ना, किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? 13वां जो आपके भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड है इसे सम्मानित किया गया किस मुख्यमंत्री को किया गया है? तो ये आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम सब लोग जानते ही होंगे, योगी आदित्यनाथ जी हैं, ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुना गया है? जुलाई 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुना गया है? 100 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर सेल्वा प्रभु थिरुमरन आंसर यहाँ पर क्या होगा? विकल्प नंबर जाएगा डी। यहाँ पर पूछा गया है कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कमेंट करिए, और यहाँ पर देखिए जवाब दिया जा रहा है, कह रहे 106। देखिए पद्म अवार्ड की जब हम बात करेंगे तो सारे पुरस्कार हो जाएंगे, चाहे वो पद्म विभूषण हो, चाहे वो पद्म भूषण हो, चाहे वो पद्म श्री हो, ठीक है ना। वैसे अगर हम बताएं यहाँ पर पद्म श्री कितने दिए गए हैं, पद्म श्री आपके कितने, पद्म श्री की जब हम बात करते हैं ये आपके 91 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण की जब बात करते हैं, ये दिया गया आपका 6 लोगों के लिए, 6 लोगों को दिया गया है। अब पद्म भूषण की जब हम बात करते हैं दिया गया आपका 9 लोगों की, यानी टोटल पद्म अवार्ड ही होते हैं ये, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 106, आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना है क्वेश्चन नंबर 102 नंबर का जवाब देना है, कोची जल मेट्रो परियोजना डैश में शहर के चारों ओर 10 द्वीपों को जोड़ेगी, कितने द्वीपों को जोड़ेगी? 10 द्वीपों को जोड़ेगी, ये आपको बताना है। कोरोमंडल तट में शहर के चारों ओर जोड़ेगी कि मालाबार तट है कि कोंकण तट है या गुजरात तट, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, कह रहे मालाबार तट, बिल्कुल सही है, मालाबार तट जिसका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए वीडियो को देखिए, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जो लोग बाद में जुड़े हैं लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर देखिए 103 नंबर का जवाब देना है, 68वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार किसे मिला है? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, 68वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ गायक की जब हम पुरस्कार की बात करेंगे तो ये मिला है आपका अरिजीत सिंह को मिला है, किसे मिला है? अरिजीत सिंह को मिला है, ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए,
और यहाँ पर देखिए आपको बताना है 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, यहाँ पर पूछा गया है किसे सम्मानित किया गया, यहाँ पर राइट आंसर दीजिए यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 104 नंबर कह रहे हैं आलिया भट्ट, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल देखिए यहाँ पर आलिया भट्ट को जो है ना गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए, ठीक है ना, गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए मिला है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए 105 नंबर का, देखिए कमेंट करिए सभी लोग। पूछा गया निम्नलिखित में से किस फिल्म को 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए फिल्म की बात हो रही है, अभी हमने जस्ट बताया था गंगूबाई कठियावाड़ी, है ना, यहाँ पर आंसर क्या होगा विकल्प नंबर आपका बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है मिस इंडिया 2023 का खिताब किसे पहनाया गया, चलिए कमेंट करिए मिस इंडिया 2023 का खिताब किसे पहनाया गया। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर बताया जा रहा है, है ना, बिल्कुल सही है यहाँ पर राइट आंसर कह रहे हैं नंदिनी गुप्ता, बिल्कुल सही है नंदिनी गुप्ता, यहाँ पर क्या होगा बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसकी अगर हम इसकी मान लो उप विजेता की बात करें जो आपकी हारी थी वो किसके साथ, मतलब यहाँ पर तो जो आपका यहाँ पर रनर अप की बात करते हैं ना, रनर अप जो फर्स्ट आपकी रही है वो रही है श्रेया पूंजा रही है, ठीक है ना, श्रेया पूंजा रही है दिल्ली की थी वो आपकी, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर क्या होगा ये राजस्थान की है, ये फेमिना मिस इंडिया जो आपकी है ना, ये आपकी फेमिना मिस इंडिया 2023 की जो विनर है राजस्थान की रहने वाली है, राजस्थान के कोटा में रहती है नंदिनी गुप्ता, 19 वर्षीय है आपकी, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। फेमिना मिस इंडिया 2023 के कौन संस्करण मणिपुर में हुआ, देखिए जो संस्करण आपके मणिपुर में हुआ था ना ये पूछा गया है कि ये आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो ये कौन संस्करण आपका मणिपुर में हुआ था 107 नंबर का, तो ये आपका 59वां था, कौन सा संस्करण था 59वां था याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। कोची की जल मेट्रो परियोजना जो है केरल सरकार और एक यहाँ पर डैश लिखा हुआ है द्वारा वित्त पोषित है, यहाँ पर देखिए कमेंट करिए नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी लोग देखिए यहाँ पर जवाब देते रहिए, काफी बेहतरीन प्रश्न है यहाँ पर। और 108 नंबर के यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है कह रहे हैं बी नंबर जर्मन फर्म, बिल्कुल सही है केरल सरकार और एक जर्मन द्वारा क्या है जर्मन फर्म द्वारा वित्त पोषित है कोची की जल मेट्रो परियोजना। अगला प्रश्न बताइए मिस इंडिया टाइटल 2023 में फर्स्ट रनर कौन रही, अभी हमने जस्ट बताया था ये आपकी दिल्ली की दी श्रेया पूंजा रही थी, नंदिनी गुप्ता कहाँ की हैं राजस्थान की हैं कोटा की हैं, ये आपके जीती हैं विनर रही हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं फर्स्ट रनर अप कौन रही हैं तो ये आपकी रही हैं श्रेया पूंजा रही हैं, याद रखिएगा आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए हाल ही में अप्रैल 2023 में फिल्म फेयर पुरस्कारों की घोषणा की गई है, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया है, इसे सम्मानित किया गया है 110 नंबर का जवाब देना है, ये सम्मानित किया गया है राजकुमार राव, आंसर क्या होगा राजकुमार राव यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए और यहाँ पर देखिए आपको बताना है कोची जल मेट्रो सेवा का पहला जो चरण है निम्नलिखित में से किस टर्मिनल से शुरू होगा, कोची जल मेट्रो सेवा का जो पहला चरण होगा आपका ये बताना है निम्नलिखित में से किस टर्मिनल से शुरू होगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा हाई कोर्ट वाईपिन टर्मिनल, हाई कोर्ट वाईपिन टर्मिनल यहाँ पर क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए नाटो का देखिए मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आसान प्रश्न है नाटो के बारे में हम आपको बता देते हैं, इसमें कितने 31 देशों का संगठन है और जो 31वां देश आपका जो शामिल हुआ है, पहले 30 देश थे अब 31वां हो गया है, 31वां जो आपका देश है फिनलैंड जो आपका है ये नाटो में क्या हुआ है अभी रिसेंटली शामिल हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं नाटो में जो देशों का जो संगठन है कितने देशों का संगठन है 31 देशों का संगठन है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी मुख्यालय की बात करेंगे इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, आंसर क्या होगा बेल्जियम यानी ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी नंबर लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए प्रेम चोपड़ा को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, प्रेम चोपड़ा को बताइए किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो पुरस्कार दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए यहाँ पर पूछा गया कोची वाटर मेट्रो क्या है, कोची वाटर मेट्रो क्या आपको बताना है 114 नंबर का जवाब क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा कोची वाटर मेट्रो है क्या, ये आपका है कोची के बैक वाटर्स के लिए, कोची के बैक वाटर्स के लिए एक जल परिवहन परियोजना है आपकी कोची वाटर मेट्रो, 114 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए यहाँ पर 115 नंबर आपको बताना है मिस इंडिया 2023 के खिताब की विजेता जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से, अभी हमने बताया था नंदिनी गुप्ता के बारे में बताया था और ये आपकी कहाँ की थी राजस्थान की थी बताया था, तो राजस्थान यहाँ पे लगा दीजिए, तो कई सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं कहाँ की थी, है ना, तो ये विशेष ध्यान रखिएगा मणिपुर में आपका हुआ था ये।
और पहला मिस इंडिया खिताब किसने जीता, यहां पर देखिए आपको बताना है, पहला जो मिस इंडिया खिताब था वो किसने जीता है, 116 नंबर, तो ये आपका जीता है। यहां पर आंसर क्या होगा, पहला ही विकल्प आपका यहां पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा एस्तेर विक्टोरिया अब्राहम। एस्तेर विक्टोरिया अब्राहम जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपका सही है, प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में आपको बताना है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, 117 नंबर। तो देखिए यहाँ पर विकल्प नंबर पहला लिखा हुआ है आपका, यह बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्त पोषित योजना है, गलत है। यहाँ पर सही वाला पूछा गया, राष्ट्रीय बाघ, बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण परियोजना के लिए एक नोडल एजेंसी है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है बाघ वन्य जीव परियोजना कब आपकी शुरू हुई, यहाँ पर देखिए आपको बताना है बाघ वन्य जीव परियोजना जो है आपकी कब शुरू हुई थी, है ना, ये आपकी शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973 यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था, 1973 में देखिए बताना है प्रोजेक्ट टाइगर को किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा जिम कार्बेट, जिम कार्बेट उत्तराखंड वाला, ठीक है ना, यहाँ पे आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, अब देखिए जिम कार्बेट का नाम भी बदल दिया गया है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अब इस समय जिम कार्बेट का नाम क्या है, भारत का सबसे पहला आपका उद्यान भी है जिम कार्बेट। चलिए अगला प्रश्न बताइए, भारत का, यहाँ पर देखिए पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, चलिए कमेंट करिए भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, और ये आपका हो जाएगा नागार्जुन सागर, ठीक है ना, नागार्जुन सागर आपका क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, ये आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पर दोस्तों है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में आपका है ये। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कहाँ हो रहा है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कहाँ हो रहा है आपको कमेंट करना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, छत्तीसगढ़ में आपका हो रहा है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है पुरुष आईपीएल 2023 का विजेता कौन है, पुरुष आईपीएल 2023 का विजेता कौन है, यहाँ पर देखिए कमेंट करिए, यहाँ पर बताया जा रहा पुरुष, यहाँ पर आंसर क्या होगा, और यहाँ पर कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, कह रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स, है ना, चेन्नई सुपर किंग्स, देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे हराया था, ये हराया था दोस्तों गुजरात टाइटन्स को हराया था, 5 विकेट से हराया था, कितने विकेट से हराया था, 5 विकेट से हराया था, किसने हराया था, चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटन्स को हराया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो जीता है उनका नाम है आपका ऋतिक रोशन, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर पूछा गया सैंगोल जो है सबसे पहले भारत की निम्नलिखित में से किस हस्ती को दिया गया था, सैंगोल जो है सबसे पहले भारत की निम्नलिखित में से किस हस्ती को दिया गया था, 124 नंबर का जवाब यहाँ पर हो जाएगा, भारत के जो आपके पहले प्रधानमंत्री थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्हों को दिया गया था सैंगोल, याद रखिएगा आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। यहाँ पर देखिए आपको बताना निम्नलिखित में से किसने कथा साहित्य यानी फिक्शन श्रेणी में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कथा साहित्य श्रेणी में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है, उनका नाम क्या है, और उनका नाम याद रखिएगा यहाँ पर आंसर आपका बताया जा रहा है बारबरा, बारबरा किंग साल्वर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए पूछा गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और इसमें अगर हम बात आपसे करते हैं कि बताइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, है ना, अगर भारत का स्थान की जब हम बात करेंगे तो आप बताएंगे यहाँ पर कौन सा है, बताइए तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, चलिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 161वें स्थान पर है भारत, 161वें स्थान पर है, ये 2023 का हम डाटा आपको बता रहे हैं। अगर प्रश्न में कभी गलती से भी अगर 2022 का अगर पूछ ले तो 2022 में याद रखिएगा आपका 150वें नंबर पे था, 150वें नंबर पे था याद रखिएगा, और 2023 का पूछेगा तो 161वें नंबर पे था। ये जारी यानी प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है, तो रिपोर्ट्स है विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये आपका प्रकाशित किया जाता है, याद रखिएगा आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर आपको बताना रामायण महोत्सव का जो विषय रामायण के लिए निम्नलिखित में से किस कांड पर आधारित होगा, किस कांड पर आधारित होगा, यहाँ पर कमेंट करना है 127 का, ये जो आपका आपका रामायण महोत्सव जो आपका हो रहा है आपका, है ना, तो ये आपका बताइए किस कांड पर आधारित होगा, छत्तीसगढ़ में आपका हो रहा है ना ये, तो किस कांड पर आधारित होगा, 127 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा अरण्य कांड, विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए,
यहाँ पर देखिए आपको बताना है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पर कमेंट करिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर बता रहे हैं दामोदर मौजो, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, आईपीएल 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था। चलिए कमेंट करिए सभी लोग यहाँ पर 129 नंबर का, आईपीएल 2023 का फाइनल मैच किसके किस स्टेडियम में खेला गया था। और यहाँ पर कह रहे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर क्या होगा, आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार जो है IIFA 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। अगर हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आलिया भट्ट, विकल्प आपका ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। सेंगोल जो है निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित माना जाता है। यहाँ पर देखिए कमेंट करना है सेंगोल जो है इसको किस राजवंश से संबंधित माना जाता है। 131 नंबर का जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा चोल राजवंश से संबंधित आपका माना जाता है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना निम्नलिखित में से किसने लोक सेवा श्रेणी में पत्रकारिता के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है, किसने जीता है आपको जवाब देना है। और ये जो जीता है आपका, हाँ ना, ये जीता है आपका एसोसिएटेड प्रेस ने, आंसर क्या होगा, आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और यहाँ पर पूछा गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है। अगर हम बात करते हैं भारत की रैंकिंग आपके 161वें नंबर पर है, याद रखिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले नंबर पर कौन सा देश है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, पहले नंबर पे कौन सा है। तो आप कहेंगे पहले नंबर पे बताइए कौन सा है, है ना, पहले नंबर पे आपको बताना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और आपका जवाब अगर आपका आ रहा है नॉर्वे, है ना, पहले नंबर पे कौन सा है दोस्तों, नॉर्वे है, याद रखिएगा नॉर्वे आपका पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आपका आयरलैंड है, तीसरे नंबर पे कौन सा है आपका डेनमार्क है, ठीक है ना, डेनमार्क है, याद रखिएगा तीसरे नंबर पे आपका कौन सा है डेनमार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत लोग फिनलैंड बता रहे हैं, फिनलैंड नहीं है, नॉर्वे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, आईपीएल 2023 में पर्पल कैप किसने जीता। चलिए कमेंट करिए आईपीएल 2023 में पर्पल कैप किसने जीता। तो यहाँ पे आंसर अगर आपका मोहम्मद शमी आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, महिला एकल वर्ग में मलेशिया मास्टर 2023 किसने जीता है। चलिए 135 नंबर का देखिए कमेंट करना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ये जीता है आपका अकाने यामागुची ने। महिला एकल वर्ग में मलेशिया मास्टर 2023 किसने जीता है, अकाने यामागुची, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है। IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है, 136 नंबर का जवाब देना है, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा आर माधवन को दिया गया, किसे दिया गया है आर माधवन। अगला प्रश्न है बताइए, सेंगोल का जो है मूर्तिकार कौन है, सेंगोल का जो मूर्तिकार है किसके द्वारा बनाया गया, मूर्तिकार का नाम बताना है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा उमदी बंगारू चेट्टी, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष जो है अजय बंगा को किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसमें वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा है, आपसे पूछा गया है इन्हें किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 138 नंबर का जवाब यहाँ पे अगर आपका 2016 आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है, 2016 में अजय बंगा को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में ऑरेंज कप कैप जीती है, है ना, ऑरेंज कैप जीती है आपको बताना है, ऑरेंज कैप किसने जीती है, यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग। 139 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, ये जो जीता है ना उनका नाम है शुभमन गिल, किसका क्या नाम है, शुभमन गिल, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, चंद्रयान 3 का जो प्रदर्शन है किस राष्ट्र के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर 140 नंबर का जवाब देना है, तो यहाँ पर आंसर आपको हो जाएगा किस राष्ट्र के साथ साझेदारी में, तो आंसर आपका जापान होगा, जापान यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2023 में दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बने चक्रवात का नाम जो है बिपर जाय रखा है। बताइए बिपर जाय किसने रखा है, आपको कमेंट करना है, और यहाँ पर बताया जा रहा है बांग्लादेश ने रखा है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर के साथ, जिनका भी देखिए डी नंबर इस प्रश्न का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, WEF की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। यहाँ पर बताइए वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है,
तो यहां पर आपको कमेंट करना है राइट आंसर यहां पर क्या होगा। और यहां पर आपका भारत का जो स्थान है 127वां स्थान है, 127वां स्थान यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। यहां पर बताइए इनमें से कौन सा देश रामायण महोत्सव में भाग लेगा, देखिए रामायण महोत्सव में कौन सा देश भाग लेगा आपको बताना है। 143 का जवाब यहां पर क्या होगा, और यहां पर कह रहे हैं कंबोडिया और इंडोनेशिया, बिल्कुल सही जवाब है कंबोडिया और इंडोनेशिया क्या है रामायण महोत्सव में भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए 2023 एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी, 2023 की जो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप है कहाँ पर आयोजित की गई थी। 144 नंबर, तो ये आपकी बुसान यानी कहाँ पड़ता है दक्षिण कोरिया में पड़ता है बुसान, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। 145 नंबर का देखिए जवाब देना है, WEF रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में कौन सा देश अंतिम स्थान पर है, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा देश अंतिम स्थान पर है। अभी हमने आपसे पूछा था वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है, तो आपने कहा था भारत का तो 127वां नंबर था। अब हमने यहाँ पर पूछा है ये भारत का स्थान है, हमने पूछा है अंतिम देश कौन से कौन है, अंतिम देश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है और यहाँ पर बताया जा रहा है 67वां स्थान है, ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर डी नंबर के साथ। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में जो भारत का स्थान है वो आपका कौन से नंबर पे, 67वें स्थान पर है, याद रखिएगा 67वें स्थान पर है। अगला प्रश्न बताइए और यहाँ पर बताइए बुसान यानी दक्षिण कोरिया में भारत ने किस देश को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीता, अभी हमने पूछा था कि बताइए एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था, तो आपने ऑप्शन दिया था, हमने कहा था बुसान दक्षिण कोरिया में हुआ था। अब ये पूछा है कि जीता कौन था भैया इसमें एशियाई कबड्डी में, भारत जीता था। अब पूछा गया कि भारत ने बताइए किस देश को हराया था, भारत ने किस देश को हराया था, तो ये हराया था आपका ईरान को हराया था, ये भी याद रखिएगा। यानी तीन प्रश्न आपके बन गए कि भैया एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो बुसान दक्षिण कोरिया में कहाँ हुआ, पहले तो बुसान दक्षिण कोरिया में हुआ, कौन जीता भारत जीता, कौन किसको हराया ईरान को हराया, एक प्रश्न से तीन प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न बताइए बड़े राज्यों में किस राज्य ने वर्ष 2022-23 के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग हासिल किया है, शीर्ष रैंकिंग हासिल किसने किया है आपको कमेंट करना है। ये बड़े राज्यों की हम बात कर रहे हैं, बड़े राज्यों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर केरल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगर छोटे राज्यों की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा गोवा, छोटे राज्यों में कौन सा है गोवा है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की जब बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है भैया शीर्ष रैंकिंग वाला जम्मू कश्मीर है, और छोटे राज्यों में बात करेंगे गोवा, और बड़े राज्यों में जब बात करेंगे तो आपका केरल, तीनों तरीके से प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए इनमें से कौन सा राज्य है ना पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में छोटे राज्यों में शीर्ष पर है, छोटे राज्यों में अभी हमने बताया था गोवा है, आंसर लगा दीजिए गोवा, अगर केंद्र शासित प्रदेश का अगर पूछ लेगा तो फिर लगा दीजिएगा जम्मू और कश्मीर वाला। यहाँ पर बताइए WEF रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में कौन सा देश पहले स्थान पर है, कौन सा देश आपका पहले स्थान पर है, यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 150 नंबर, तो यहाँ पर आपका है आइसलैंड, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। वर्ष 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस योजना का शुभारंभ किया, बताइए कौन सी योजना का शुभारंभ किया है, तो शुभारंभ है उसके योजना का नाम है अमृत धरोहर योजना, ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए इनमें से कौन यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, यूनिसेफ इंडिया के बताइए कौन आपके एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है आपका आयुष्मान खुराना, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा डी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, उनका नाम है आपका रवनीत कौर, रवनीत कौर यहाँ पर क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए 10 अगस्त को आयोजित विश्व शेर दिवस के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने एक वेब ऐप यानी सिंह सूचना लॉन्च किया है, बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा किस राज्य की सरकार ने, उस राज्य की सरकार कौन सी राज्य सरकार है, आंसर आपका हो जाएगा गुजरात, गुजरात सरकार ने एक वेब ऐप जो लॉन्च किया है सिंह सूचना। अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अप्रैल 2023 में रिकॉर्ड 200 सेकंड के लिए 3D मुद्रित क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, 155 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका रुकाई रूट एयर स्पोर्ट एयर एरो स्पेस, याद रखिएगा स्काई रूट एरो स्पेस यहाँ पर क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा किस कंपनी ने, तो कंपनी का नाम है स्काई रूट एरो स्पेस। अगला प्रश्न बताइए
2023 तक भारत ने कितनी बार एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीती है? अब एशियाई कबड्डी अभी हमने बताया था आपको इसके बारे में, अब पूछा गया भारत ने कितनी बार जीती है, तो आंसर यहां पे आपका हो जाएगा 8 बार, विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रयान 3 का मिशन का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चंद्रयान 3 का जो प्राथमिक जो आपका उद्देश्य है ये आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? भविष्य के मिशन के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना। अगला प्रश्न बताइए, चंद्रयान 3 को किस स्थान से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को किस स्थान से लॉन्च किया गया था? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया था। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न है, 5 अप्रैल को 116वीं जयंती डैड डैश की विरासत स्मृति में मनाई गई, जो एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के हिमायती थे। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? 116वीं जो जयंती है ना, किसकी विरासत की स्मृति में मनाई गई, और आंसर आपको बताना है। और यहाँ पर कह रहे हैं बाबू जगजीवन राम, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में बताइए उच्च रैंकिंग क्या दर्शाता है? वैसे भी भारत का इसमें स्थान कौन सा है? 67वां नंबर है। अब बोला गया उच्च रैंकिंग क्या दर्शाती है ना, क्या दर्शाती है आपको बताना है। तो दर्शाती है टिकाऊ और सुरक्षित ऊर्जा की ओर व्यापक परिवर्तन, टिकाऊ और सुरक्षित ऊर्जा की ओर व्यापक परिवर्तन, आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन ऊर्जा संक्रमण सूचकांक प्रदर्शित करता है? कौन सा करता है बताइए? हाँ ना, ये करता है दोस्तों विश्व आर्थिक मंच करता है, जिसे आप WEF कहते हैं, विश्व आर्थिक मंच करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केंद्र शासित, देखिए पूछा गया है। अभी हमने आपको बताया था बड़े राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में गोवा, और केंद्र शासित में जब बात करेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर वाला ऑप्शन आपको लगा देना है, याद रखिएगा। तीनों प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। चंद्रयान 3 को कौन से प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? ये जो प्रक्षेपित किया गया था, आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए? 163 नंबर कह रहे हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, आपका लॉन्च व्हीकल मार्क नंबर 3 है, याद रखिएगा मार्क नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, किसी व्यक्ति के द्वारा सर्वाधिक विंबलडन खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? विंबलडन की बात हो रही है और विंबलडन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा रोजर फेडरर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है किस देश को लगातार 5वें वर्ष दुनिया में सबसे कम शांतिपूर्ण देश का दर्जा दिया गया है? इसे दिया गया है 165 नंबर का। तो ये दोस्तों है आपका अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे कम शक्तिशाली माना जाता है? किस देश का, देखिए आपका जो पासपोर्ट है सबसे कम शक्तिशाली माना जाता है, ये माना जाता है आपका अफगानिस्तान का, आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, आपको बताना है। एशियाई यहाँ पर बताइए, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, और उस देश का नाम है आपका जापान, जो कि आपके 37 कितने पदक जीता है भाई यहाँ पर आपका 37 पदक के साथ, है ना। चीन आपका जो है यहाँ पर 22 पदक थे, है ना, चीन आपके कितने थे 22 पदक थे आपके, तो यहाँ पर 37 पदक के साथ कौन है, चीन, ए चीन कहना, जापान, जापान यहाँ पर कौन, ये क्या होगा आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताइए विंबलडन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? चलिए कमेंट करिए 168 नंबर के यहाँ पर जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पर बताइए विंबलडन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो यहाँ पर 168 नंबर का हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए, है ना, विंबलडन में कौन जीता है। हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। हाँ देखिए विंबलडन की जब बात करेंगे कार्लोस अल्काराज, अगर यूएस ओपन की बात करेंगे तो नोवाक जोकोविच, ठीक है ना, कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र तरंग शक्ति अभ्यास में भाग नहीं ले रहा है? कौन सा राष्ट्र नहीं भाग ले रहा है, तो राष्ट्र के नाम है आपके पाकिस्तान है, और कौन सा है, चाइना, ये नहीं भाग ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2023 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यहाँ पर देखिए कमेंट करिए 170 नंबर का आपको जवाब देना क्या होगा। तो भारत ने देखिए जो स्थान प्राप्त किया है यहाँ पर आपका तीसरा स्थान प्राप्त किया है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। IAF ने 12 देश की सेनाओं को एक साथ लाने के लिए अपने सबसे बड़े हवाई अभ्यास की योजना बनाई है, इस अभ्यास का नाम क्या है? इस अभ्यास का देखिए आपको नाम बताना है, और नाम है इसका है तरंग शक्ति है, क्या है, तरंग शक्ति आपका है। अगला प्रश्न बताइए, ग्लोबल फायर पावर की 2023 शक्ति रैंकिंग में भारत का जो स्थान है कौन सा है, है ना, भारत का देखिए स्थान आपको बताना है, ये भारत का स्थान आपका 4था है,
पहले नंबर की अगर हम बात करते हैं, पहले नंबर पे आपका कौन सा है? अमेरिका है। पहले नंबर पे कौन सा है आपका? अमेरिका है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो रूस है आपका। तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो आपका चीन है। और चौथे नंबर पे जब बात करते हैं तो यहाँ पर भारत का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बताइए, एस ए एफ एफ चैंपियनशिप में IIFF पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया था? ये किसे दिया गया था? 173 का बताना है। ये दिया गया था आपका ललियान ज्वाला चानगते। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत की रैंकिंग में कितने स्थान का सुधार हुआ है? तो पहले आपका था 87वां, अब है आपका 80वां। अब कितने अंक का सुधार हुआ आप देख ही सकते हैं, 7 अंकों का सुधार हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 87 से कहाँ पे आ गया, 80 पे आ गया है। अगला प्रश्न बताइए, तरंग शक्ति अभ्यास यहाँ पर बताइए डेड डैश होने का अनुमान है, 175 नंबर क्या होगा? तो ये भारत में अब तक का आयोजित सबसे बड़ा क्या होगा? हवाई अभ्यास होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले गैर वरीयता प्राप्त महिला के रूप में विंबलडन का खिताब किसने जीता है? पहले गैर वरीयता प्राप्त महिला के रूप में विंबलडन का खिताब किसने जीता है? 176 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, मार्केट ब्रांडोसोवा। विकल्प आपका बी नंबर आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान किस देश का है? है ना, यहाँ पर बताइए। हालांकि पाकिस्तान पूछ लिया, अच्छा कोई बात नहीं, पाकिस्तान के पूछा। वैसे पहले नंबर पे कौन सा है? आइसलैंड है। याद रखिएगा, आइसलैंड क्या है? पहले नंबर पे है आइसलैंड आपका, पहले नंबर पे है आइसलैंड, है आइसलैंड, ठीक है ना। पहले नंबर पे कौन है भैया? आइसलैंड है। पाकिस्तान का पूछा गया है, और पाकिस्तान का पूछा गया है तो बताइए 177 नंबर का क्या होगा? तो ये आपका पाकिस्तान का है, आपका 146वां है। अगर हम कहें भारत का कौन सा है, तो भारत का यहाँ पर जवाब आ चुका है कमेंट में, कह रहे हैं 126वां नंबर है। बिल्कुल सही बात है, भारत का 126वां है, पाकिस्तान का 146वां है। बिल्कुल सही है, और पहले नंबर पे आइसलैंड है, याद हो गया। चलिए अगला प्रश्न बताइए, 2023 में किस देश की सेना, है ना, यहाँ पर बताइए सेना लिखा है, किस देश की सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना है? विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना है बताइए। 178 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन जाएगा ए नंबर के साथ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार बताइए विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है? तो सबसे मजबूत की बात करेंगे तो आपका सिंगापुर का है, विकल्प आपका जाएगा सी नंबर के साथ। वैश्विक शांति सूचकांक की अगर हमने बात की, भारत का स्थान की बात हुई थी, भारत का स्थान कौन सा है? 126वां, अभी हमने जस्ट आपको बताया था। अगला प्रश्न बताइए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की एयरपोर्ट ताकत की रैंकिंग क्या है? 181 नंबर आपको बताना है। तो भारत की जो रैंकिंग है ना, वो आपकी 80वें नंबर पे, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है कौन संगठन करता है? ये संगठन का नाम है आपका अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? IEP, IEP करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत जो है कौन से, भारत भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है बताइए, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में जो भारत की जो रैंकिंग है ना, वो मिला है आपका 38वें नंबर पे, याद रखिएगा 38वें नंबर पे आपका है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। ये भी प्रश्न ने कई बार आपको कराया है, इसी को कहते हैं रसद प्रदर्शन सूचकांक। अगर रसद लिखा हो या लॉजिस्टिक लिखा हो, कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब एक ही है। अगला प्रश्न बताइए, असम स्थित ओंकोलॉजिस्ट डेड डेस्क 2023 रमन मैक्सेसे पुरस्कार के विजेताओं में से बताइए कौन है? है ना, यहाँ पर देखिए 184 का जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका रमन मैक्सेसे जो आपका है, आप कहते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसी कहते हैं, तो रवि कन्नन यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, अगस्त 2023 में विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका नीरज चोपड़ा, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स 2023 में घोषित ब्रिक्स सदस्य देशों में कितने नए सदस्य जोड़े गए हैं? आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या होगा, 186 नंबर का, और यहाँ पर आपके जोड़े गए 6, आंसर क्या होगा? 6। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है? अभी तो कराया था प्रश्न, बताइए इसका आंसर क्या होगा, किस फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है? हाँ, हिंदी फिल्म पुरस्कार की बात हो रही है, और यहां पर बताइए आंसर क्या होगा, है ना, यहां पर आपको बताना है, यहां पे राइट आंसर क्या होगा,
चलिए यहां पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा यहां पर देखिए, हिंदी का हिंदी फिल्म में पूछा गया सरदार उधम होगा, ठीक है ना, हिंदी लगा है ना, तो सरदार उधम यहाँ पे क्या होगा, पहला ही विकल्प आपका होगा। चलिए हिंदी वाला है इसलिए, नहीं तो गंगूबाई काठियावाड़ी हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, 188 नंबर, तो आपके हैं अल्लू अर्जुन। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया, आलिया भट्ट भी हैं और कृति सेनन भी हैं, आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ए और बी यहाँ पर आप दे सकते हैं। आलिया भट्ट कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को जो मिला है ये फिल्म मिमी के लिए अवार्ड मिला है, याद रखिएगा है ना। यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 190 नंबर का देखिए जवाब देना है, यहाँ पर जवाब क्या होगा, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने नरगिस दत्त पुरस्कार जीता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने नरगिस दत्त पुरस्कार जीता है, और यहाँ पर बताया जा रहा है बिल्कुल सही जवाब है हाँ ना, 190 नंबर का जवाब यहाँ पर कह रहे हैं कश्मीर फाइल, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पुरुषोत्तम चारुलो को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यहाँ पर बताना है यह फिल्म किस क्षेत्रीय भाषा में रिलीज हुई थी, है ना, ये फिल्म किस क्षेत्रीय भाषा में रिलीज हुई थी, 191 नंबर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तेलुगु में रिलीज हुई थी आपकी आपकी। अगला प्रश्न बताइए, जुलाई 2023 में किस राज्य की टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, है ना, 192 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो 192 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न बताइए, बैडमिंटन में मलेशिया मास्टर्स 2023 का फाइनल किसने जीता है, बैडमिंटन में मलेशिया मास्टर्स 2023 का जो फाइनल जीता है वो आपके जीते हैं एच एस प्रणय, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी सितंबर 2023 में टाइम मैगजीन के द्वारा 2023 के विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है, आपका नाम है उस कंपनी का इन्फोसिस, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, ग्लोबल फायर पावर यहाँ पर 2023 की सैन्य रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है, अभी हमने कराया था, भारत आपका कौन से नंबर पर, चौथे नंबर पर आपका है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जो संग्रहालय दिवस है ना ये आपका मनाया जाता है 18 मई को, कब मनाया जाता है 18 मई को मनाया जाता है। विश्व जल सप्ताह 2023 का विषय क्या है, चलिए कमेंट करिए, विश्व जल सप्ताह 2023 का जो विषय है ना वो आपका है यहाँ पर आपका हो जाएगा सीड्स ऑफ चेंज इनोवेटिव फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर 198 नंबर बताना है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, प्रथम भारतीय की जब हम बात करते हैं तो ये आपके थे विनोबा भावे, कौन थे भैया, विनोबा भावे थे, ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है, चलिए कमेंट करिए सभी लोग यहाँ पर जवाब क्या होगा, और ये जो आपका मनाया जाता है आपका 7 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के 76वें वर्ष का विषय क्या है, यहाँ पर आपको बताना है स्वतंत्रता दिवस के 76वें वर्ष का विषय क्या है, तो इसका जो विषय आपका है यहाँ पर देश पहले सदैव पहले, क्या विषय है, देश पहले सदैव, आपको जवाब देना है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका क्या होगा, और क्वेश्चन नंबर देखिए 201 नंबर का यहाँ पर जवाब आ चुका है, कह रहे हैं 14, टोटल कुल कितने पदक जीते हैं, यहाँ पर 14 पदक होगा, आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ, जिनका भी ए नंबर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है टाटा कैपिटल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, चलिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करिए, हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है 202 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, टाटा कैपिटल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, और यहाँ पर बता रहा शुभमन गिल, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर के साथ, शुभमन गिल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, 203 नंबर का जवाब देना है, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, चलिए 203 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, और यहाँ पर बताया जा रहा है बिल्कुल सही जवाब है, कह रहे हैं भारत करेगा, भारत की ब्राजील है,
है ना। यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करिए, यहाँ पर 2024 का पूछा गया है, 24 का है ना, यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। हाँ दो हजार देखिए 24 का जो है, या ब्राजील करेगा, ब्राजील करेगा भारत नहीं, ब्राजील, ब्राजील यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ब्राजील यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन सा बना है। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है 2-4 नंबर कह रहे हैं ईरान, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। ईरान की राजधानी की जब हम बात करते हैं, ईरान की राजधानी कौन सी है, तो याद रखिएगा ईरान की राजधानी आपकी तेहरान है, कौन सी है, तेहरान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, स्पेन के किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, चलिए 205 नंबर का देखिए सभी लोग कमेंट करिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो जीता है उनका नाम है कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर यहाँ पर US ओपन की बात करते हैं है ना, तो फिर आपके क्या हो जाते हैं आपके, हाँ नोवाक जोकोविच आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ विंबलडन पूछा गया है तो कार्लोस अल्काराज यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, और यहाँ पर बताया जा रहा है अरुण चावला है ना, अरुण चावला यहाँ पर बता रहे हैं, देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है ना। यहाँ पर आपको बताना है फिक्की के, देखिए अरुण चावला आपके नहीं है, है ना, यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। अभी समय वर्तमान में कौन है, अब अरुण चावला नहीं, अभी समय शैलेश पाठक है, इस समय शैलेश पाठक है, याद रखिएगा शैलेश पाठक यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, वर्तमान में अगर हम बात करेंगे इस समय, तो इस समय हमारे शैलेश पाठक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताइए वैश्विक पहल मीरा का संबंध किस फसल से है, वैश्विक जो पहल है आपकी मीरा का संबंध किस फसल से है, तो यहाँ पर जवाब होगा आपका बाजरा से, किसे है, बाजरा से, बाजरा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मीरा का जो पूरा नाम है बाजरा अंतर्राष्ट्रीय पहल अनुसंधान और जागरूकता है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, बाजरा संबंधित आपको हो गया। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, चेक गणराज्य की किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है। चलिए 208 नंबर का देखिए कमेंट करिए सभी लोग यहाँ पे आंसर क्या होगा, चेक गणराज्य की किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है, उनका नाम है आपका मार्केटा वोंडरोसोवा, है ना, यहाँ पर आंसर क्या होगा, मार्केटा वोंडरोसोवा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, तो सबसे शांतिपूर्ण देश आपका आयरलैंड है। अगर हम आपसे कहें कि बताइए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी है, अगर हम आपसे कहें भारत की रैंक कौन सी है, तो आप कहिएगा कि भारत की जो रैंक है आपकी 126वीं है। भारत की रैंक दोस्तों कौन सी है, 126वीं रैंक है आपकी भारत की है, भारत की कौन सी रैंक है, 126वीं है, पहले नंबर पे पूछा गया है, तो आइसलैंड आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, बाल साहित्य के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, और यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करिए सभी लोग यहाँ पर आंसर क्या होगा। और यहाँ पर बाल साहित्य के लिए हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है उनका नाम है सूर्यनाथ सिंह, विकल्प जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, किस राज्य के, राज्य सरकार के द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है, बताइए किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो उस राज्य सरकार का नाम है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, जून 2023 में किसे RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, RBI के डिप्टी गवर्नर कौन है, ये आपको बताना है। 212 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो उनका नाम याद रखिएगा, उनका नाम है आपका स्वामीनाथन जानकी रमन, विकल्प नंबर जाएगा आपका बी नंबर के साथ। चलिए वीडियो को देखिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जो लोग बाद में जुड़े हैं लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सभी लोग आंसर दीजिए, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं वीडियो देख रहे हैं कोशिश करिए सभी लोग आंसर दीजिए, क्योंकि बहुत ही नियरेस्ट एग्जाम आपका है, इसलिए सभी लोग कोशिश करिए जवाब देने में, कोई भी कटौती मत करिए, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते रहिए। चलिए अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर पूछा गया है नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है, यानी कुल मिला के आपको बताना है नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है, और नाइजीरिया के राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके कौन है, वहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर होगा बोला टिनबू है, भैया बोला टिनबू यहाँ पर लगा दीजिए, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए कमेंट आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस
किस देश ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? बताइए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, कह रहे मिस्र होगा, बिल्कुल सही है, मिस्र आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, वो वान थुओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? वो वान थुओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? उस देश का नाम है आपका वियतनाम, विकल्प नंबर जाएगा राइट आंसर सी नंबर के साथ। अगर हम आपसे पूछें कि वियतनाम की राजधानी कौन सी है ना, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, वियतनाम की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे हनोई जो है, हनोई जो है वियतनाम की क्या है, राजधानी है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं राजधानी, अगर वियतनाम की बात करते हैं तो कौन सी है, हनोई है, हनोई है ना, हनोई है। अगला प्रश्न बताइए, मुद्रा है आपकी वियतनामी डोंग है ना, डोंग है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर आपको बताना है, लंदन में सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? लंदन में सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है, शक्तिकांत दास जी को मिला है, जो कि आपकी आरबीआई के गवर्नर है, सभी को पता है, विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, भारतीय पुरातत्व तो सर्वेक्षण के द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ पर खोजा गया है? 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ पर खोजा गया है? और ये जो खोजा गया है आपका ओडिशा में खोजा गया है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताइए, किस देश की महिला हॉकी टीम ने महिला जूनियर एशिया कप 2023 का फाइनल दक्षिण कोरिया को हराकर अपना पहला खिताब जीता है? बताइए किस देश की महिला हॉकी टीम ने, और वो देश का नाम है भारत, विकल्प नंबर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? चलिए कमेंट करिए, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? और यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं भारत ने जीता है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत। और भारत कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी है, हाँ ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत है ना, चलो भारत है, हाँ बिल्कुल सही है, भारत है ऑप्शन नंबर। अच्छा ये बताइए कि किसको हराया था, तो किसको हराया था, ईरान को हराया था, ईरान को क्या था, हराया था, जीता कौन था, भारत, आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताइए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ की है? सुरक्षित, हाँ बिल्कुल सही है, सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ की है, 220 नंबर का जवाब यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटक, विकल्प नंबर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु, यहाँ पर विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ए एम अहमदी का निधन हुआ है, इन्हें मुख्य न्यायाधीशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो कौन से नंबर के थे आपको बताना है, तो ये थे आपके 26वें नंबर के थे, विकल्प नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, आपको मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला बना है वो कौन सा बना है, कौन सा घोषित किया गया है? अगर हम आपसे बात करें यूपी में कितने जिले, तो आप कहते हैं यूपी में आपके 75 जिले हैं, एमपी में कितने हो गए, 53वां जो जिला बनाया गया ना उसका नाम बताना है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है मऊगंज है, क्या नाम है, मऊगंज, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, 224 नंबर, पहली बार यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो सभी लोग जानते हैं 8 मार्च को मनाया जाता है, है ना, लेकिन यह पहली बार कब घोषणा की गई थी, 224 नंबर आपको जवाब देना है, तो पहली बार ये घोषणा की गई थी आपकी 1975 में, आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023, है ना, फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया? फ्रिंजेक्स यानी फ्रांस से कौन सा नाम आ रहा, फ्रांस, बस हो गया, ठीक है, आराम से याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, उनका नाम आपको बताना है, और उनका नाम जो है आपका यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है, हरि बुद्ध मगर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का एकल खिताब जीता है, या इस खिलाड़ी का ये जो 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, बताइए 23वां ग्रैंड स्लैम है किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2023 का बात हो रही है, एकल खिताब जीता है, तो आंसर जाएगा यहाँ पर नोवाक जोकोविच, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यूएस ओपन की बात करेंगे तो भी नोवाक जोकोविच, अगर विंबलडन की जब बात करते हैं तो आपके कार्लेस अल्काराज हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन
फ्रेंच ओपन 2023 का एकल खिताब जीता है या इस खिलाड़ी का जो है चौथा ग्रैंड स्लैम है। बताइए कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी है। 228 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है डगा ईगा ईगा स्वीटेक है ना, ईगा स्वीटेक यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए 28वें लेखा महानियंत्रक जिसे आप सीजीए कहते हैं, सीजीए कहते हैं है ना, ये कौन है भैया, इस समय वर्तमान में 28वें नंबर के हैं, तो उनका नाम है आपका एस एस दुबे। गिरीश चंद्र मुर्मू की जब आप बात करते हैं तो ये आपके कौन है, ये आपके कैग हैं है ना, ये आपके कैग हैं और ये आपके सीजीए हैं। अगला प्रश्न बताइए, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं है ना, यहाँ पर आपका आंसर 27वें नंबर की भारती आपकी भारती दास थी, ठीक है ना, अब इस समय कौन है भैया, एस एस दुबे हैं। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर आपको बताना विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी है ना, 2023 की देखिए थीम बताना है, विश्व पर्यावरण दिवस बताइए कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट में बताना है। और यहाँ पर पूछा गया विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, तो यहाँ पर है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है ना, 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है और इसकी जो थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है। अगला प्रश्न बताइए, 6 मार्च 2023 को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है ना, ये आयोजन कहाँ पर किया गया आपको बताना है, 231 नंबर का ये जो आयोजन आपका हुआ था कुआलमपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कुआलालमपुर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, पृथ्वीगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है, है ना बताइए किसे सम्मानित किया गया है, 232 नंबर, तो ये सम्मानित किया गया डेविड चिपरफील्ड को, डेविड चिपरफील्ड यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, बहुत बड़ा नाम है इनका, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को, और ये जो बनाए गए हैं आपके प्रधानमंत्री जो बनाए गए हैं आपके, ये बनाए गए हैं कतर के, कतर की राजधानी क्या है, दोहा है, याद रखिएगा कतर की राजधानी क्या है आपकी, दोहा है, ये भी आपको याद रखना है, कतर की राजधानी क्या है, दोहा है। अगला प्रश्न बताइए, 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा किस देश ने किया है, 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की जो घोषणा किया गया है वो किया गया आपका कोलंबिया के द्वारा, किस देश के द्वारा किया गया है, कोलंबिया यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, चलिए 235 नंबर बताइए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और यहाँ पर बताया जा रहा है सेलेस्ते साउलो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है आपको बताना है, और यहाँ पर बताया जा रहा है फिजी है ना, फिजी है, देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है फिजी, यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा है ना, यहाँ पर देख लीजिए मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, हाँ यहाँ पर आपका क्या होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाने की जो प्रथा है कब प्रारंभ की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस जो मनाने की जो प्रथा है कब प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रारंभ किया गया था आप देख सकते हैं 10 मार्च 2022 को पहली बार है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मार्च 2022 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका, यहाँ पर 2022 वाला आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है, तो ये कर रहा है बोर्नियो द्वीप में, बोर्नियो द्वीप में आपकी नुसंतारा पड़ता है ना, तो वहीं पे शिफ्ट कर रहा है, तो बोर्नियो द्वीप वाला आपको ऑप्शन लगा देना है। मई 2023 में किस व्यक्ति को है ना, यहाँ पर बताइए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का नया महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की गई है, मई 2023 में किस व्यक्ति को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का नया महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की गई है, 239 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर आंसर होगा प्रवीण सूद को, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हुआ है इनका संबंध किस क्षेत्र से था, देखिए सतीश कौशिक जो है आपके ये आपके क्या थे, अभिनेता थे, फिल्म निर्देशक है ना, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला
स्वर्ण जो पदक है किस खिलाड़ी ने जीता है, 241 नंबर का देखिए जवाब देना है। और 241 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है अमन सहरावत। अमन सहरावत यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। लद्दाख में सेना की, यहाँ पर बताइए लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है, 242 नंबर का देखिए जवाब देना है। लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है, उनका नाम क्या है, और उनका नाम है आपका यहाँ पर कर्नल आपका गीता राणा। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर के साथ जाएगा। देखो यहाँ पर बहुत लोग शिवा चौहान मार रहे हैं, मतलब गलतियाँ मत करिए, एग्जाम आपका है सर पे, है ना, तो प्रश्नों को समझिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर आंसर आपका गीता राणा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न बताइए, क्योंकि कई प्रश्न के नाम होते हैं ना मिलते जुलते, तो आपने वो ऑप्शन नाम देखा और क्वेश्चन नहीं समझा कि क्वेश्चन हमने पूछा गया, बस दिमाग में आपको छपा गया है कि शिवा चौहान है तो बस वही मार दिया। प्रश्न भी देखिए ना, हमने पूछा लद्दाख में सेना की बटालियन कमान संभालने वाली, तो यहाँ पर गीता राणा होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, 243 नंबर का बताइए, है ना। देखिए अक्सर ही गलतियाँ होती है, एक से नहीं सभी लोगों को हम बता रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल 100% सही है कि जब आप कई सारे नाम पढ़ लेते हैं ऑप्शन के तो आपके दिमाग में वो ऑप्शन छप जाते हैं, फिर आप क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते, आपके दिमाग में वो नाम जाता है, ये नाम हमने पढ़ा हुआ है, और फिर लगता है यही वाला होगा, ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं अक्सर, ये सच है और आप माने या ना माने बिल्कुल सत्य हम बात बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ऑप्शन कई बार पड़े होते हैं किसी न किसी प्रश्न से तो उसना ध्यान नहीं रहता, बस नाम आता है बस टिक मार दो वही सही होगा, इसी चक्कर में गलत हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए 243 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका होगा उत्तराखंड, उत्तराखंड यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, है ना, यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, है ना, देख लीजिए सभी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए पूछा गया संकट ग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने, है ना, सरकार ने यहाँ पर कौन सा अभियान चलाया है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, है ना, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है 245 नंबर का जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं ऑपरेशन कावेरी, बिल्कुल सही जवाब है ना, ऑपरेशन कावेरी। देखिए यहाँ पर जो अभी आपका एक प्रश्न नहीं था लद्दाख में सेना की बटालियन मतलब कराया था, जो शिवा चौहान जो बता रहे थे आप लोग कमेंट कर रहे थे ना, तो वो आपका क्या था, वो सियाचिन है ना वहाँ पर तैनात पहली महिला अधिकारी है ना, पहली महिला अधिकारी है शिवा चौहान, वो वाला था। लेकिन जब हम आपसे पूछेंगे कि लद्दाख सेना में सेना के बटालियन संभालने वाली भैया कौन है, तो फिर आपको गीता राणा लगाना है, दोनों प्रश्नों को समझ लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आप ये प्रश्न हो गया ना सभी का। अगला प्रश्न बताइए, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, बताइए किसे प्रदान किया गया है, और यहाँ पर बता रहे हैं 246 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं नाटू नाटू को दिया गया, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, 247 नंबर बता रहे हैं मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, मई 2023 में किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, बताइए किसने बनाया है, 248 नंबर आपको जवाब देना है, ये बनाया है आपका प्रवीण चित्रवेल, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है, बताइए किस शहर में लॉन्च किया है, वो शहर का नाम है आपका मुंबई, विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, चलिए 250 नंबर कमेंट करिए, तो ये आपके जहां के पुष्कर सिंह धामी कहां के सीएम हैं, आप कहेंगे उत्तराखंड के हैं, तो वहीं पर आपका यह होगा 2024 में आपका होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, चलिए 251 नंबर का कमेंट करिए, इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका संजीव कपूर, ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, डिवाइन मिस अर्थ इंडिया और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रियन सेन और प्रवीणा अंजना का संबंध जो है किस राज्य से है, बताइए इनका संबंध किस राज्य से है, ये राजस्थान की रहने वाली है, राजस्थान संबंध आपका हो जाएगा, आंसर लगा दीजिए यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा, है ना, बिल्कुल सही है। हेमिना मिस वर्ल्ड में आप नंदिनी गुप्ता पढ़ते थे ना, वो भी राजस्थान कोटा की थी, है ना, तो याद रखिएगा भैया कहाँ कौन कहाँ की है। अगला प्रश्न बताइए, मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना का संबंध किस राज्य से है, है ना, यहाँ पर बताइए मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना का संबंध किस राज्य से है,
और ये राज्य आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में शुरू किया गया ना, एम के स्टालिन वहाँ के सीएम है तो वहीं पे शुरू किया गया है। अगला प्रश्न बताइए, दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन थे? है ना, अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन थे? तो दोस्त 54 नंबर का जवाब अगर आपका आ रहा है जयंत महापात्रा तो समझ जाइएगा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के द्वारा विकसित विश्व की पहली 100% एथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया गया है? बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए 255 नंबर का बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका हो जाएगा टोयोटा। टोयोटा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए एच एस प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? है ना, कौन सा पदक जीता है यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए 256 का बता रहे हैं कांस्य पदक जीता है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। वो लोग कह रहे रजत है, रजत नहीं कांस्य है, है ना, कांस्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 118 वर्ष पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, और किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली घोष बता रहे हैं 257 नंबर का सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है? चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का जो संबंध है ना, ये आपका है क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से, विकल्प आपका जाएगा ए नंबर के साथ। पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है? पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है? ये किया गया आपका श्रीलंका में किया गया, श्रीलंका यहाँ लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर बताइए एमर्सन मनंगावा, थोड़ा अजीब नाम है ना, एमर्सन मनंगावा बताइए किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? आंसर जाएगा जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या, हरारे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? वर्ष 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला जो स्टार्टअप है वो आपका है जेप्टो, विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा, किस देश में आयोजित चैंपियनशिप 23 में, और आंसर बताया जा रहा है 256 नंबर का बता रहे हैं, 262 नंबर का बता रहे हैं हंगरी। हंगरी देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, वो लोग जर्मनी मार रहे हैं, जर्मनी मार देंगे, हंगरी है, हंगरी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? आप कहेंगे ये तो आसान प्रश्न है, 23 अगस्त को मनाया जाएगा, है ना, आपको ये भी पता होगा, क्या बोलते हैं, क्या नाम था अंतरिक्ष वाले में एक प्रश्न याद नहीं आ रहा, कुछ बताने वाले थे, हाँ ये जो आपका क्या था रोवर का नाम क्या था, है ना, रोवर, रोवर आपका था प्रज्ञान, और ये जो आपका लैंडर नाम था वो आपका विक्रम था, है ना, लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम क्या था, है ना, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए प्रज्ञान, है ना, रोवर प्रज्ञान है, और आपका लैंडर का नाम क्या है, विक्रम, है ना, ये दोनों याद रखिएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा, 23 अगस्त, है ना, देख लीजिए सभी आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए, ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है, है ना, और यहाँ पर बताइए 264 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, कह रहे हैं स्वामित्व योजना, है ना, स्वामित्व योजना यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 265 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं 6, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 266 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं राफेल नडाल को, है ना, राफेल नडाल को नियुक्त किया है, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, अरुण कुमार सिंह को किस भारतीय महारत्न कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह को किस भारतीय महारत्न कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर जाएगा ONGC का। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? 268 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं ग्रीस, है ना, ग्रीस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, मोहजेर 10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया है? यहाँ पर देखिए 269 नंबर का आपको जवाब देना है, मोहजेर 10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया है? ये किया है दोस्तों आपका ईरान ने किया है, ईरान। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा?
आंसर जाएगा आपका अयोध्या, विकल्प जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चलिए कमेंट करिए, हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर साजी के वी, है ना, साजी के वी को नियुक्त किया गया है, नाबार्ड के अध्यक्ष है ये। आंसर जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, भारतीय मूल की वीना नायर ने विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किस देश का पीएम पुरस्कार जीता है? बताइए कौन से देश का पुरस्कार जीता है वीना नायर? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, और यहाँ पर कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का है क्या, चेक कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है, याद रखिएगा, इनको कंगारू भी कहते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2023 का विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया, है ना, यहाँ पर बताइए वर्ष 2023 का विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया है? और ये जो मनाया गया 20 से लेकर 24 अगस्त के बीच मनाया गया, ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है? न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है? और यहाँ पर बताया जा रहा सुष्मिता शुक्ला। सुष्मिता शुक्ला यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाली भारतीय मूल की महिला हमने पूछा है, सुष्मिता शुक्ला है। अलग अलग प्रश्न का आंसर पढ़ के अलग अलग आंसर में लगा देते हैं, है ना, ऐसी गलतियों को मत करिए, फिर से हम कह रहे हैं, है ना, नाम कई जब बार पढ़ते हैं तो ऑप्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये वाला इसमें होगा, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? बताइए यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर कह रहे हैं गोवा में किया है, बिल्कुल सही है, गोवा की राजधानी पणजी है। अगला प्रश्न बताइए, चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है, किन राज्यों से है? तो अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो आप कहेंगे राज्यों की बात हो रही तो तमिलनाडु कर्नाटक का है ये मामला, आंसर लगा दीजिए सी नंबर वाला, सी नंबर देख लीजिए सभी का आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में भारतीय ओलंपिक, ये अच्छा प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? बताइए, और ये जो बनी है उनका नाम है आपका पीटी उषा, विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की है? अरे यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करिए सभी लोग, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है किसने किया है? 278 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं दक्षिण अफ्रीका ने किया है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर आपको बताना है, भूपेंद्र पटेल गुजरात के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो ये आपके जो है ना, ये कौन से नंबर के आपके हैं बताइए? तो ये आपके कह रहे हैं, ये आपके 279, है ना, दोबारा बने ना, तो ये आपके कौन से नंबर के? 18वें नंबर के। कौन से नंबर के? 18वें नंबर के। आपके यहाँ पर आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, 18वें नंबर के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताइए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, यानी BPCL, BPCL है ना, BPCL बताइए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उनका नाम है आपका राहुल द्रविड़। अगला प्रश्न बताइए, चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ है? कनाडा में, कनाडा यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ की है? ना यहाँ पर बताइए किस देश ने शुरू किया है, और ये शुरू किया जो आपका है, ना यहाँ पर आंसर होगा 282 नंबर का, ये आपका शुरू किया बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, पहली बार किस देश के द्वारा महिला हस्ताक्षर वाले बैंक नोट मुद्रित किए गए हैं? पहली बार, है ना, महिला हस्ताक्षर वाले बैंक नोट जारी किए गए किस देश के द्वारा? तो देश का आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका यहाँ पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, यहाँ पर दे सकते हैं, अमेरिका में $1, $5 मूल्य के नए नोटों पर दो महिलाएं हैं, जेनेट येलेन है और आपकी मैरिलिन और मलरेबा, ठीक है ना, इनके हस्ताक्षर के मुद्रित किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? चलिए 284 नंबर बताइए, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो आपका है तमिलनाडु है, आंसर लगा दीजिए, विकल्प नंबर डी नंबर के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? उस राज्य का नाम है आपका जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न बताइए, भारत का पहला कार्बन तटस्थ फार्म किस राज्य में स्थापित हुआ है? भारत का पहला कार्बन तटस्थ फार्म किस राज्य में स्थापित हुआ है?
और यहाँ पर बताया जा रहा है 286 नंबर कह रहे हैं केरल, है ना, केरल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है सर। केरल के बीच फार्मो को, है ना, बीच फार्मो को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्मो घोषित किया गया, किसको भैया, बीच फार्मो को, ठीक है ना, बीच फार्म यहाँ लिख दे रहे हैं, बीज फार्मो को। आगे बढ़ते हैं, विश्व में पहली बार नाभिकीय संलयन तकनीक के द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किस देश के द्वारा किया गया है, कौन से देश के द्वारा किया गया आपको बताना है, वो देश का नाम है आपका अमेरिका, आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए चीफ साइंटिस्ट कौन है बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए चीफ साइंटिस्ट कौन है, और ये आपके हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका जेरेमी फरार, ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। जुलाई 2023 में मुंबई के किस स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है, 289 नंबर के यहाँ पर बताइए जवाब क्या होगा, और कह रहे हैं बाईकुला को मिला है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, भारत सरकार के द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, 290 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और ये जो आपकी है ना परिवार पहचान पत्र योजना जो है आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यहाँ पर आपको बताना है प्रदान किया गया है, गमोचा को प्रदान किया गया, तंदूर रेड ग्राम को प्रदान किया गया, रुक से कुबानी को प्रदान किया गया, सभी को प्रदान किया गया, तो आप लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी वाला। वर्णीकरण योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है, वर्णीकरण योजना की अगर हम बात करते हैं ये जो शुरू की गई है आपकी, आंसर क्या होगा बताइए, वर्णीकरण योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है, हाँ ये भी केरल है ना, केरल यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, है ना, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, केरल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के लिए फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी ने किस बैंक के साथ समझौता किया है, ना फिनटेक कंपनी ने बताइए किस बैंक के साथ समझौता किया है, और यहाँ पर बता रहे हैं कि एक्सिस बैंक के साथ, बिल्कुल सही है, एक्सिस बैंक के साथ क्या है समझौता किया है। जुलाई 2023 में दिल्ली में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, जुलाई 2023 में दिल्ली में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार जो 2022 वाला है ना किसे प्रदान किया गया है, ये प्रदान किया गया है आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपकी जो भारत की 15वें नंबर की जो राष्ट्रपति है आपकी द्रौपदी मुर्मू को मिला है, याद रखिएगा 15वें नंबर की राष्ट्रपति आपकी है। ओडिशा में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, इसकी मारक क्षमता पूछा गया है, और मारक क्षमता याद रखिएगा 5000 किलोमीटर है, यानी 5000 किलोमीटर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक परियोजना पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है, सबसे लंबी जो एस्केप टनल है ना उसकी लंबाई आपसे पूछा गया है, और उसकी लंबाई याद रखिएगा 12.895 किलोमीटर है, 12.895 किलोमीटर याद रखिएगा, डाटा आपका 12.895 है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं, लियो वराडकर जो है भैया देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, और कौन से देश है, देश का नाम बता दीजिए, और देश का नाम अगर आपको नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं आयरलैंड है, आयरलैंड यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, 11वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, 11वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो उस देश का नाम है आपका फिनलैंड, जिसे आप हजारों झीलों का देश कहते हैं, नाटो का 31वां सदस्य भी फिनलैंड बना है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, कई सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगला प्रश्न बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे, है ना, 2023 का उद्घाटन करेंगे, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर जाएगा यहाँ पर गांधीनगर, है ना, गांधीनगर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या और बाल शोषण मामले के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है, कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन बताइए, प्रश्न कई बार करा चुके हैं, और ऑपरेशन का नाम है आपका ऑपरेशन कन्विक्शन है, ठीक है ना, ऑपरेशन कन्विक्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से आपकी जो, धन्यवाद सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।